नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रही है अहम खबर के साथ। पीसीसी की लिस्ट जारी और कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियां हुई हैं। 25 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, इसके साथ ही 21 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 48 महासचिव भी नियुक्ति हुए हैं और इसके अलावा 121 सचिवों की भी नियुक्ति हुई है। पीसीसी पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है। 25 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ भैरूलाल चौधरी, चूरू इंद्रराज खीचर, इसके साथ ही धौलपुर में साकेत बिहारी शर्मा और डूंगरपुर में आपको बता दें कि बल्लभराम पाटीदार बने हैं, जबकि श्रीगंगानगर में अंकुर मंगलानी और हनुमानगढ़ में सुरेंद्र दादरी। जबकि जयपुर शहर की बात की जाए, आरआर तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयपुर ग्रामीण में गोपाल मीणा को जिम्मेदारी मिली है। तो वहीं जालौर में भंवरलाल मेघवाल, झुंझुनू दिनेश सोंडा, करौली में आपको बता दें कि शिवराज मीणा को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोटा शहर में रविंद्र त्यागी, जबकि कोटा ग्रामीण में भारू प्रताप सिंह और पाली में अजीज दत्त, जबकि सिरोही में आनंद कुमार जोशी। चुनाव से 4 महीने पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। अब टीम में कई नेता पुत्रों को भी पद मिला है और सवाई माधोपुर में आपको बता दें कि गिरिराज सिंह और टोंक में हरिप्रसाद बैरवा, जबकि उदयपुर शहर की बात की जाए तो यहां पर फतेह सिंह राठौड़ को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि उदयपुर ग्रामीण की अगर बात की जाए तो यहां पर कचरूलाल चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रतापगढ़ में भारू प्रताप सिंह है। तो हालांकि देखिए, भारू प्रताप सिंह को लेकर यहां पर जो है गफलत भी हुई थी एक बार के लिए, क्योंकि दो नाम इस लिस्ट में एक जैसे हैं, उसको लेकर गफलत भी हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों ही जो अध्यक्ष हैं वो अलग अलग हैं, हालांकि नाम सेम है। और हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। शशि, देखिए लंबा इंतजार, कई बैठकों का दौर चला, उसके बाद काफी मंथन के बाद आखिरकार सूचियां जो है जारी हो गई है। जिला अध्यक्षों की बात की जाए, उपाध्यक्षों की बात की जाए, चाहे सचिवों की बात की जाए, जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। लेकिन अब चुनाव में कम वक्त बचा है, ऐसे में अब कितनी ज्यादा धार मिलने वाली है इस लिस्ट के बाद? बिल्कुल, धार तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि संगठन को मिलेगी, लेकिन ये जो जंबो टीम तैयार की है, जिसमें आपने बताया वैसों को 21 उपाध्यक्ष, 48 महासचिव, 121 सचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक संगठन का महासचिव ललित तूनवाल के रूप में, तो पार्टी को रफ्तार तो मिलेगी, धार भी मिलेगी, लेकिन इन सब लोगों को संभालने के लिए और इनको काम देने के लिए भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक्सरसाइज करनी होगी। देखिए, कहावत है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और अगर इनको काम दे दिया जाएगा तो ये सकारात्मक दिशा में काम करेंगे, और काम नहीं दिया जाएगा तो टिकट की दावेदारी जैसे कामों में उलझ सकते हैं युवा नेता भी। हर किसी की मंशा होती है, हर किसी की इच्छा होती है कि सक्रिय राजनीति में भागीदारी करें, टिकट की दावेदारी करें, टिकट लें, जीतें, विधायक भी बने, मंत्री भी बने और आगे तक मुख्यमंत्री तक पहुंचने का सपना नेताओं का होता है, हर कोई पहुंच नहीं पाता उस पद तक। तो इन नेताओं से काम किस तरीके से लेना है जी। इस लिस्ट में जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, उम्र का संतुलन, सबका ध्यान रखा गया है। मैं आप देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण बातें इस लिस्ट की मैं बताता हूँ। एक तो उदयपुर घोषणा पत्र, उदयपुर चार्टर जो था, जिसमें कहा गया था कि एक बार 5 वर्ष का कार्यकाल कोई पूरा कर लेगा तो दोबारा उसको उस पद पर जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, या तो कूलिंग ऑफ दिया जाएगा या फिर उसको दूसरे पद पर जिम्मेदारी दी जाएगी जी। तो ऐसे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बड़ी चतुराई से, बड़ी होशियारी से अपने जो साथी उनके काम कर रहे हैं, जिन्होंने उनको अच्छा रिजल्ट दिया, उन एलिवेट कराने में कामयाब हो गए, इससे उनकी जगह भी बना पाए हैं वो जी। आप देखिए, जसवंत गुर्जर, देशराज मीणा, स्वर्णिम चतुर्वेदी, आरसी चौधरी, ये ऐसे नाम है जिनको एलिवेट करके महासचिव पे लेकर आ गए। ये पहले पीसीसी में सचिव के पद पर थे, और कई नाम ऐसे हैं जो बाहर भी चले गए। लेकिन आमतौर पर ये माना जाता है कि संगठन में जनप्रतिनिधियों को जगह नहीं देनी चाहिए, एक व्यक्ति एक पद होता है, ये सिद्धांत होता है। कांग्रेस पार्टी ने इसको शुरू किया,
लेकिन कुछ जगह विधायकों को शामिल किया गया है, कुछ पदों पर उपाध्यक्ष पर, महासचिव पर। जी, तो पार्टी ने किस सोच के साथ इस जिम्मेदारी को विधायकों को दिया है, क्योंकि उनको अपना क्षेत्र भी संभालना होता है। जी, जी। और क्षेत्र भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, संगठन भी अलग जिम्मेदारी होती है, दोनों की नेचर जो है वो अलग अलग होती है। शशि, लिस्ट आने से पहले जिन जिन बातों पर यहाँ पर देखने को मिली थी जो बातें, जिसकी वजह से जैसे सचिवों की लिस्ट की बात की जाए तो फिर से लिस्ट जो है ले ली गई थी वापस, तो ऐसे में जो भी मुद्दे थे आलाकमान की तरफ से कहा गया था कि हर एक वर्ग पर ध्यान देना है, हर एक गुट पर, जैसे कि खासतौर पर गहलोत और पायलट गुट की बात की जाए तो क्या जो आलाकमान की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए थे कि हर एक वर्ग को लेकर साथ में शामिल करना है, उनके प्रतिनिधित्व को भी यहाँ पर शामिल करना है, तो इस लिस्ट में पूरी तरीके से क्या वो चीजें नजर आ रही है, क्या पायलट गुट की तरफ से भी तमाम जो प्रतिनिधि थे उन्हें शामिल किया गया है लिस्ट में, क्या बैलेंस्ड यहां पर नजर आ रहे हैं लिस्ट? हमको कोशिश की गई है पायलट कैंप के चेहरों को शामिल करने की, जिनमें आप देखिए मुकेश बाकर को शामिल किया है, राकेश पारिक है उनको जगह मिली है, राजेश चौधरी को जगह मिली है, ऐसे कुछ और नाम है, लेकिन वो नाम भी है जो इस लिस्ट से बाहर हुए हैं, महेंद्र खेड़ी, राजेंद्र चौधरी, वेद प्रकाश सोलंकी, ये ऐसे नाम हैं जो पहले पीसीसी की टीम में थे लेकिन अब बाहर कर दिए गए हैं। जो राजेश चौधरी, मुकेश भाकर के रूप में हमने नाम बताए, राकेश पारिक के रूप में, वो नए नाम हैं जिनको संगठन में जगह दे दी गई है, लेकिन इस पूरी लिस्ट पर गहलोत और डोटासरा की छाप साफ तौर पर दिखाई दी है। और एक बात तय हो गई है इस लिस्ट के आने से कि विधानसभा चुनाव पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की लीडरशिप में लड़े जाने हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ही रहेंगे विधानसभा चुनाव के वक्त। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी अगर कोई नया अध्यक्ष देने की मंशा रखती तो इस सिंह को अभी होल्ड कर दी, ऐसा इसलिए क्योंकि नया अध्यक्ष अगर आएगा तो फिर अपने हिसाब से टीम चाहेगा, अपने हिसाब से किसी टीम की मांग करेगा, तो ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा की टीम पर मोहर लगाकर पार्टी ने संकेत दे दिया है कि डोटासरा भी चुनाव में अध्यक्ष रहेंगे, और ना सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि एक कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि अगले लोकसभा चुनाव तक डोटासरा ही पीसीसी चीफ रहेंगे। जी अंकुट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका।